तो दोस्तों क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि आप निगेटिविटी फैला रहे हो, 80% की गिरावट का कह के लोगों में जो है पैनिक क्रिएट कर रहे हो, और जो लोगों को जो है डरा रहे हो, मजबूर कर रहे हो बेचने के लिए, मतलब कुल मिला के उनको आप डरा रहे हो। तो भाई आप लोगों से जो मेरे सपोर्टर हैं या फिर जो मुझे पसंद करते हैं उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। कुछ हेटर तो रहते ही रहते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री को गाली देने वाले मिल सकते हैं तो मैं कौन सा चीज़ हूँ। मुझे तो कोई भी मिल सकता है, कोई भी मतलब आके कुछ भी बोल सकता है। कोई आने वाली जो संभावना है या फिर आने वाला जो भी चीज़ एकदम क्लियर हो, वो भी एकदम लिखित है, वो तो होना ही होना है, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ। हाँ, बस यही है कि मैं 2 दिन पहले से बोल रहा हूँ ताकि जिनको वो चीज़ नहीं झेलना है, जो वो फेस नहीं कर सकते हैं जो चीज़, तो उससे वो बाहर हो सकते हैं, क्योंकि कल जो है लास्ट खरीदारी करने का डेट है, ठीक है ना। तो आप ही बताइएगा कि जो मैं ये वीडियो बनाया था कि 80% की गिरावट होगी, जो 120 रुपया, जब मैं बनाया था वीडियो तो 120 रुपया इसका प्राइस डेट करा, तो मैं बोला 120 रुपये वाला शेयर 24 रुपये में आप लोगों को मिल सकता है, मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, और एकदम लिखित है, मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आके आप मुझे चार जूता मार लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो होगा ही होगा, बस मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि ये ऐसा होने वाला है। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए। लाइक मत करिए यार, आज लाइक की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे सपोर्ट करिए कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो फिर तो पता चल ही जाएगा 1 तारीख को, तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा, ठीक है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता होती ही नहीं हो, तो दिखेगा आपके सामने ही दिखेगा, 25 रुपये, 30 रुपये, हालांकि प्राइस थोड़ा सा ऊपर भाग जाएगा तो उसका प्राइस थोड़ा सा और ऊपर भाग जाएगा, यही होगा, लेकिन वो तो 80% की गिरावट तो होनी ही होनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट आने वाला है सबसे पहले, सी रिजल्ट कब इसका आने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपको इसका रिजल्ट का अपडेट दे दूँ। पहले इसका रिजल्ट आने वाला है, देखिए 30 तारीख को भी इसका एक अपडेट आया था, यहाँ पे देखिए 30 जनवरी 2024 11:10, तो मुझे तो लगा था रिजल्ट इस पर भी लिखा था रिजल्ट का बोर्ड मीटिंग डेट, तो मैं तो देखा था कि पहले तो रिजल्ट का डेट इसका 27 जनवरी को ही घोषित हो चुका था कि 3 फरवरी को कंपनी अपना रिजल्ट घोषित करने वाली है, ठीक है ना, 3 फरवरी को इसका रिजल्ट है, ये आप ध्यान दीजिए। लेकिन फिर से जब आज रिजल्ट का आया तो मुझे मैसेज आ जाता है, कोई भी अपडेट आता है एनएससी बेसिस पे तो मुझे अपडेट आता है, ठीक है ना। तो मैं समझा कि यार बदल गया क्या डेट इसका रिजल्ट का, तो आके देखा तो नहीं, वही 3 फरवरी ही फिर से जो है वही डिसाइड किया, हो सकता है 2-3 बार ये लोग डालते हैं तो उससे मतलब। तो यहाँ पे अब ये भी मत बोलिएगा कि नहीं आप ऐसा कर रहे हो, डेट देख लीजिए 30 जनवरी 2024 11:10 पे ये अपडेट आया है, एनएससी पे जाके चेक कर लीजिए, लेकिन रिजल्ट डेट वही है, बदला नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ कर लीजिए। अब देखिए इसमें जो ये एसएम के लिस्ट में भी है, तो एसएम के लिस्ट से कब बाहर आएगा, तो इसके लिए मैं बता चुका हूँ कि 90 दिन तक तो ये रहेगा रहेगा, वो वेबसाइट थोड़ी सी ओपन नहीं हो रही है किसी कारणवश, तो वो मैं डिटेल में खोल के आपको नहीं बता सकता, लेकिन अभी ये इतना जल्दी बाहर नहीं निकलेगा, मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना, बाकी निकलेगा जब तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, हमेशा अपडेट दे दूंगा। अब देखिए जो मैं आप लोगों को बताया था कि 80% की गिरावट होगी, वो क्यों होगी, क्योंकि हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर बोनस के तौर पे मिलने वाला है, उसका मैं पूरा डिटेल समझा चुका हूँ। एडजस्टमेंट अब लोग बोलते हैं, वही पिछले वीडियो में भी यही बोला था कि लोग बोल रहे हैं तो ये स्टॉक स्प्लिट हो गया ना भाई, स्टॉक स्प्लिट बोनस या फिर डिविडेंड या राइट इशू कोई भी हो यार, एडजस्टमेंट तो होगा ही होगा चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है ना, एडजस्टमेंट होगा। अगर कोई किसी कंपनी का प्राइस 1000 रुपया ट्रेड कर रहा है और उस कंपनी ने आपको 50 रुपये का डिविडेंड दिया है, डिविडेंड का मैं एग्जाम्पल लेके चल, डिविडेंड भी अगर 50 रुपये का दिया है कंपनी ना, तो अगले दिन उसका जो प्राइज रहेगा ना एवरेज हो जाएगा वो 950 रुपये पे उसका प्राइस हो जाएगा, अब एडजस्ट हो जाएगा, उसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा। तो फिर बोलोगे डिविडेंड का क्या मतलब हो गया, 50 रुपये तो उधर प्राइस कट गया, 50 रुपये तो उधर से गिरावट हो गई, तो 50 रुपये हमको डिविडेंड मिला, तो उसका बेनिफिट क्या होगा भाई, वो एवरेज होगा ही होगा क्योंकि उसका मार्केट कैप ना बढ़ पाए, ठीक है ना। सीधा सा मतलब होता है कि मार्केट कैप बढ़ना ही नहीं चाहिए, उसका जितने रेशियो में डिविडेंड दिया है, 100 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया, 100 रुपया अगले दिन उसका प्राइस कट जाएगा, भले ही वो उसी दिन 100 रुपये बढ़ जाए, उससे मतलब नहीं, 200 बढ़ जाए, वो तो बढ़ना तो उसके हाथ का, एवरेज होगा ही होगा, एडजस्टमेंट उसका होगा ही होगा, फ्यूचर ऑप्शन हर चीज़ का एडजस्टमेंट होता है, आप समझते हो कि होता नहीं है। सब आप 100 रुपये वाले शेयर खरीदोगे, 1:4 का बोनस दे रहा है, 400 रुपये आपको मिल जाएगा, 1000 लगाओगे 5000 पा जाओगे, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है ना भाई, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप समझिए, तो वही आप लोग बोलो, और 80% की गिरावट तो होनी ही है, तय है इसमें, कल है खरीदारी करने का लास्ट डेट, क्योंकि इसका एक्स डेट है, जो ये 80% की गिरावट आएगी वो 1 फरवरी को इसकी जो है गिरावट आने वाली है, 1 फरवरी का मतलब हो गया कि परसों, अभी 30 तारीख है,
31, लास्ट 31 तारीख का लास्ट डेट रहेगा। अब जिसको बोनस मिलेगा ना उसी को मतलब बोनस मिलेगा, जो 31 तारीख, 31 तारीख चाहे खरीदे हो आप कभी से, उससे मतलब नहीं है। आप 1 महीने 2 महीने 2 साल 4 साल 10 साल पहले कभी भी खरीदे हो, 31 तारीख को 3:30 तक अगर इस शेयर को आप होल्ड करके रखोगे, भले ही आप 31 तारीख को ही बाय कर रहे हो या आज बाय कर रहे हो, कल बाय किए थे, परसों बाय किए थे, उससे मतलब नहीं। 31 तारीख तक, 3:30 तक अगर आप होल्ड करके रखोगे पोर्टफोलियो में आपके रहेगा ये शेयर, तो फिर अगले दिन ये शेयर जो है आपका जो 1 तारीख को रिकॉर्ड डेट पे फ्लैश करेगा कंपनी के पास वहाँ पे, और आप एलिजिबल रहोगे। मतलब 31 तारीख लास्ट खरीदारी करने का भी डेट है और लास्ट होल्ड करने का भी डेट है, 3:30 तक। अगर 3:29 पर, 25 मिनट पर भी अगर आप शेयर बेच देते हो तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। मतलब कल तक आपको शेयर होल्ड करना ही पड़ेगा अगर बोनस चाहिए तो, नहीं तो आप बेच के निकल सकते हो, ठीक है ना। अब यही ये भी होगा कि कल जो भी इसका प्राइस ट्रेड करेगा उसका 80% डिस्काउंट होगा, ठीक है ना, अर्जेस्ट होगा ही होगा 1 तारीख को, ये भी आप लोग लिख समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो कल डिसाइड कर लेना कि इसको रखना है बेचना है। कई सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे थे तो मैं अपना व्यू आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि कल लास्ट खरीदारी करने का डेटा है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये 1 शेयर के बदले में 5 शेयर मिलेगा, शेयर कितना मिलेगा तो इसको भी मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था। यहाँ पे देखिए कंपनी के पास टोटल कितने शेयर हैं, तो टोटल शेयर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, वरना इसको भी बोलोगे कि अपने मन से बता रहे हो कुछ भी। टोटल कंपनी के पास जो शेयर हैं वो 31,57,05,280 शेयर हैं, इससे 1 शेयर बेसी नहीं है, एकदम ऑफिशियल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना शेयर है। अब इस पर कितना हम लोगों को बोनस मिलने वाला है, तो इस पर हम लोगों को जो बोनस मिलने वाला है इसमें हर इतना शेयर तो सभी के पास रहेगा, चाहे हमारे पास हो, चाहे तो आपके पास हो, चाहे प्रमोटर के पास हो, चाहे एफआईआई के पास हो, चाहे डीआईआई के पास, किसी के पास तो इतना शेयर। अब इतने शेयर पे कंपनी नया शेयर जो इशू करने वाली है ना, वो कितना शेयर इशू करने वाली है वो बता दूँ। कंपनी 126,28,21,120 क्वांटिटी नया इशू करने वाली है बोनस के लिए, और ये जो टोटल बढ़ के हो जाएगा, मतलब टोटल तब फिर यहाँ पे आपको जो 31 करोड़ दिखाई दे रहा है ना, अब यहाँ पे कितना शेयर ट्रेड करेगा 31 तारीख के बाद, 31 तारीख के बाद ट्रेड करेगा यहाँ पे, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा इस कंपनी का, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हो जाएगा, अभी 31,57,00,000 है तो 126,28,00,000 और बढ़ेगा, तो टोटल बढ़ के हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1,57,00,000, ठीक है ना, 157,85,00,000, ठीक है, और उसके बाद 26,000 और उसके बाद 400, ठीक है ना, शेयर जो है कंपनी का टोटल हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है, हो गया, ध्यान दीजिएगा 157 करोड़ अगर राउंड फिगर में आप लोग देखना चाहते हो तो, उसके बाद 85 लाख भी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो इतना शेयर इशू करने वाली कंपनी। अब जो ये 1,26,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी ना, इसी शेयर का जो है प्राइस एडजस्ट हो जाएगा, मतलब हर 1 शेयर के बदले में जो 4 शेयर हम लोग को मिलने वाला है ना, उसी 4 शेयर का प्राइस कट जाएगा। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितना इसका प्राइस ट्रेड करा है, 134 रुपये प्राइस ट्रेड करा। अगर 134 से मैं कितने से गुणा किया हूँ, मैंने इसका माना है, हाँ 135 पे था तब मैंने ये गुणा किया है, 135 में अगर 5 से हम लोग गुणा कर देंगे, सॉरी भाग दे देंगे, तो आएगा 27 रुपये। मतलब अगर यही प्राइस कल भी रहता है, अब कल जो प्राइस रहेगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, तो अब ये मत कहना कि बोले थे 27 रुपये, ये तो हो रहा है 28 रुपये या 26.5 रुपये, भाई इतना तो मैं बता नहीं पाऊंगा। 27 रुपये पे इसका जो प्राइस है वो ट्रेड करेगा इसके एक डेट को, अगर यही प्राइस रहता है तो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो ये भी प्राइस थोड़ा बहुत 10 पैसे 5 पैसे आधा पैसे आधा मतलब रुपये इधर उधर हो सकता है, तो ठीक है ना। तो 27 रुपये पे इसका ट्रेड करेगा, तो अब 27 रुपये के आप 5 शेयर 1 तारीख को, 1 तारीख को, क्योंकि ये 1 तारीख को 27 रुपये में 1 शेयर मिलेगा आपको, तो 27 रुपये में अगर आप लोग 27 27 रुपये में 5 शेयर खरीदोगे तो भी आपका शेयर का प्राइस आएगा 135 रुपये। तो चाहे स्टॉक स्प्लिट के बाद भी खरीदोगे तो यहीं आपको प्राइस मिलेगा, और अभी भी खरीदोगे तो 135 रुपये में या तो 1 शेयर खरीद लीजिए या फिर 27 शेयर में 5 शेयर खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। 27 शेयर के रेट से 5 शेयर उतने ही पैसे में, बस दिक्कत क्या होता है ना कि दिक्कत यही होता है जो अभी हो रहा है, कि आप तो सोचोगे जैसे कि कोई बंदा सोचा होगा कि नहीं अभी तो ये जब 100 100 रुपये पे था, तब कोई बंदा सोचा होगा कि नहीं 100 पे तो मैं नहीं खरीदूंगा, जब स्प्लिट हो जाएगा तो ये 20% मतलब 80% घटेगा, तो 100 रुपये वाला शेयर 20 रुपये का हो जाएगा तो 20 रुपये पर खरीदूंगा, लेकिन वो 20 रुपये पर ना होके वो और हो गया 135 रुपये का। अब इंतजार करोगे कल हो गया और 10% की तेजी हो गई, इसमें हो गया 150 रुपये का, तब 150 के हिसाब से 5 गुना कम होगा तो हो जाएगा 30 रुपये के आसपास आएगा,
तो फिर मतलब वही है कि 1 से 1.5 तक जाते जाते हो सकता है प्राइस भाग भी जाए और ज़्यादा, तो वो आपको जो है 10 दिन इंतजार करना बहुत महंगा पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, बाकी आप देख लीजिएगा, आप लोग खुद चालाक हो, क्योंकि मुझे जो मतलब समझा सकता है, मुझे बता सकता है, वो तो खुद चालाक है ना। तो देख लीजिएगा, बस आपको इतना बता दूं कि जब भी खरीदारी करिए छोटी क्वांटिटी में ही खरीदारी करिएगा, स्टॉप लॉस बड़ा रखिएगा, 64 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस रखिएगा। जब भी 100 रुपये के आसपास का डिप आए खरीदारी कर सकते हैं। और सुबह में आपको एक डिप मिला था, जैसे कल भी मैं बोला था कि अभी भी मेरा भी वो पुष्टि हुई है, गिरावट थोड़ी बहुत होती है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 240 रुपये तक का ये आने वाले समय में टारगेट दे सकता है, बोनस के पहले ही दे देगा बाद में दे देगा ये कोई क्लियर नहीं है, दे सकता है 240 तक का। इसका जो टारगेट मुझे नेक्स्ट दिख रहा है वही यही दिख, देख लीजिएगा। बाकी कल भी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।